आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। मेरा भजन संग्रह चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। एक साहूकार था, उसके एक बेटा था। वो बेटा की उसने शादी कर ली, 12 महीना हो गए शादी करे हुए। वो साहूकार का बेटा वो उसकी लुगाई को लेने सासरा में गया जा रहा था। अच्छे नहा धो करके नहीं उसने कपड़े पहन लिए, तैयार होके वो चल दिया। आगे जाके रास्ता में एक तलाई थी, उसमें एक गाय पानी पीने के लिए उतरी थी। उसका पैर घिसल गया, वो कीचड़ में फंस गई। तब वो लड़के से गाय बोली, करे भाई मुझे इस कीचड़ से निकाल दे। लड़का बोला, मैं तो इतना दिन में मेरे सासरे में जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं तो आपको नहीं निकाल सकता। गाय माता ने उसको श्राप दे दिया, करे जा तू सासरा में जाएगा, नहाएगा तो आधा गधा बन जाएगा, खाना खाएगा तो पूरा गधा बन जाएगा। सासरा में चले गया, वो काफी दिन में तो गया था। अब वहां जाके तो उन्मना होके बैठ गया। सब बोले जीजाजी आ गए, जीजाजी आ गए। अच्छे अच्छे तो चावल भात पूरा बनवाए, अच्छे पकवान बनवाए। भाई काफी दिन में आए, पहले पहले वैसे आए, अच्छी खातर करी थी। सब बोलने लगे, बोले आप खाना खा लो। करे नहीं मैं खाना आज नहीं खाऊंगा, आज तो मेरा व्रत है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। चलो ठीक है। दूसरे दिन सब कोई बोले, करे जीजाजी नहा लो आप, है जो खाना खाओ। नहाने के लिए भी उसने मना कर दिया, करे नहीं मैं नहीं नहाऊंगा। करे नहीं आप नहाओगे, नहाओगे कैसे, नहीं बोलो नहाओ और फिर खाना खाओ। करे नहीं मैं नहीं खाना खाऊंगा, नहीं मैं नहाऊंगा। चलो नहीं माने वो, ये जो सब घर के खूब पच लिया। सब सोचे भाई क्या बात है, नाराजी है क्या है, जीजाजी कैसे नाराज हो रहे, ने तो ये नहारे ने, शाम को भी इन्होंने खाना नहीं खाया और अभी भी ये खाना के लिए मना कर रहे हैं, क्या बात है। तो उसकी घरवाली जाकर पूछी, बोले भाभी आप कह दो तो मैं बात करूं इनसे, क्या बात है, खाना के लिए मना क्यों कर रहे हैं, नहाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। वो जाके बोली, करे क्या बात है, आप मेरे घरवाले इनसे आप क्यों नाराज हो, आपने कल शाम को भी खाना नहीं खाया और अब नहाने के लिए भी मना कर रहे हो और खाने के लिए भी मना कर रहे हो, ऐसी क्या बात है, मेरे को बताओ आप उदास भी हो क्यों। तब उसने बताया, करे रास्ता में ऐसे मेरे को एक गाय मिली थी, वो गाय ने मेरे से कीचड़ में निकालने के लिए बोली, मैंने मना कर दिया, उसने मेरे को श्राप दे दिया, सासरा में जाएगा नहाएगा तो आधा गधा बन जाएगा, खाना खाएगा तो पूरा गधा बन जाएगा। उसकी घरवाली बोली, करे नहीं ऐसे हो ही नहीं सकते, मैं आपके साथ में हूं, अगर हो भी जाएगा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। फिर वो आपकी लुगाई का कहने से वो नहाने लग गया, नहाने लग गया तो वो ना जैसे पानी डाला वैसे ही वो आधा गधा बन गया। उसने फिर खाना भी घाल दिया, खाना खा लिया, वो पूरा गधा बन गया। सब कोई उसको बाहर निकालने लग गया, करे ये तो गधा है इसको बाहर निकालो। उसकी घरवाली बोली, करे नहीं ये गधा नहीं है, ये मेरा आदमी है, मैं इसी के साथ में जाऊंगी। सब कोई मना करने लग गया, करे नहीं ये गधा के साथ में कहाँ जाएगी, अब कैसे गधा बन गया ये, तो गधा के साथ में कैसे डोलेगी, तो कहाँ जाएगी। करे नहीं मैं तो इसी के साथ में जाऊंगी। नहीं मानी वो, ये आपके चल दी चल दी। आगे रास्ता में एक नगर था, एक नगरी आई, नगरी के पास में एक अच्छा पेड़ था, उसकी घेर घुमेर खूब छाया थी। वो पेड़ के नीचे उसने गधा को बांध दिया और उसी के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली आपके, वहीं वो रहने लग गई, मेहनत मजूरी करने लग गई। मजूरी करती 100 रुपया में से 25 रुपया तो खुद के ऊपर खर्च करती, बाकी वो गधा के ऊपर खर्च करने लग गई। उसको अच्छी तानी से निलाती, साबुन से निलाती, उसको पोंछती, अच्छा उसको चारा डालती, सब कुछ उसी में लगी रहती वो रात दिन। जो एक सेठानी एक रानी थी, वो रानी उसको देखती झरोका में से रोज ही ना उसको देखती। वो बोलती, करे ये इतनी सेवा, गधा की सेवा इतनी कर रही है, ये खुद के ऊपर तो कुछ मेहनत मजूरी करती है फिर इसके ऊपर इतनी सेवा करती है, क्या बात है, इसको पूछनी चाहिए। उसने आपकी दासी को बुलाकर वो
उसको आपके पास मैं बुलाई, उससे सारी बात पूछी। उसने बता दी, करे ऐसे रे, इसको श्राप मिला है और ये मेरा आदमी है, ये गधा की जोड़ में आ गया। उसने पंडित, बड़े बड़े पंडितन को बुलाकर उससे पूछा, भाई ये गधा की जोड़ कैसे छूटे, मिनका जोड़ में ये कैसे आए। तब वो पंडित बोले, करे जिसने 12 महीना में 24 ग्यारस कर रखी हुए, वो आके इसको पूरी ग्यारस देवे, तब इस गधा की जोड़ छूटेगी, जब ये मिनखा जोड़ में आएगा। राजा ने पूरी नगरी में हेलो फिरा दियो। सब कोई आई बोली, मैंने तो 2 ही ग्यारस करते हैं हम तो। कोई बोले हम 6 ग्यारस, 4 ग्यारस करते हैं, कोई बोले 6 ग्यारस करते हैं। एक डोकरी माई आई, वो बोली, कर मैं 12 महीना की 24 ग्यारस करती हूँ। राजा उसको बोले, बोले आप 11 के बदले में चाहे कितना भी धन ले लेना, इसको ये आप पूरे 12 महीने की 11 दे दो। डोकरी माँ ने हाँ कर लिया। डोकरी माँ के 11 संकल्प करके 11 देने लगी, तो डोकरी माँ के मन में विचार आया, कर मैं तो रात दिन भूखी मरी थी, इतनी मेहनत से मैंने 11 माता करी थी, इसको मैं पूरी 11 दे दूंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो मेरा कैसे उद्धार होगा 11 के बिना। 1 ग्यारस उसने रख ली, बाकी 11 उसको दे दी। पूरा शरीर उसका मिनक का हो गया, एक कान गधा का रह गया। अब दोबारा से पंडितन को बुलाया, उससे पूछे, भाई एक गधा, एक कान इसका गधा का कैसे रह गया। पंडित बोला, करे इसको पूरी 11 नहीं मिली है, इनमें से 1 ग्यारस रख ली, इसलिए एक कान इसका रह गया। डोकरी माई को फिर से बुलाया, तब उसको बोला, करे आपने पूरी 11 इसको नहीं दी। तब डोकरी माँ ने बताया, कर मेरे मन में लालच आ गई थी, मैंने 1 ग्यारस रख ली थी, 12 महीना की 11 में से 24 ग्यारस में से 1 ग्यारस मैंने रख ली थी, भाई मेरा भी तो उद्धार होगा। तब वो बोले, करे आप तो डोकरी माता, आप 11 और कर लोगी, धर्म पूर्ण और कर लोगी, इसको 1 ग्यारस और दो। जब वो डोकरी माता ने उसको 11 दी, तब उसका पूरा मिनखा जोड़ में वो आया, तब उसका मिनखा जैसा दूसरा कान भी हो गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 11 का इतना बड़ा पुण्य है, इतना बड़ा धर्म है, 11 के बराबर कोई भी धर्म नहीं है। तो 11 माता करनी चाहिए सबको, 11 के बराबर कोई भी पुण्य धर्म कुछ नहीं है, 11 एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। बोलो 11 माता की जय।